हमारे बीच में कई गीतकार और अच्छे अच्छे गीतकार बैठे हुए हैं। मैं श्री उदय भानु सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए, उनकी आवाज जितनी मीठी है उतना ही प्यारा उनका गीत है, वो सीधे आपके दिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से आपकी तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां बजाइए भाई उदय भानु जी को। लीजिए, नीचे करने में निकल ही गया तो कोई बात नहीं, हाथ से ही लेके पड़ गया। नहीं नहीं ठीक है, जब निकल गया तो लगाने की क्या जरूरत। हाथ से तो क्या बात है, किस तबक पे पहुंच गए थे। एक छोटा सा शेर याद आ रहा है मिर्जा गालिब का जी, आपके आपकी नजर करना चाहूंगा। परतबे खुर से है शबनम को फना की तालीम, वाह। परतबे खुर से है शबनम को फना की तालीम, हम भी हैं एक इनायत की नजर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। क्या बात है, तेरे जुल्फ के सर। वाकई आपकी बात पहुंचेगी और जरूर पहुंचेगी, एक समय थोड़ा लगता है। कहते हैं कि प्रेम सरिता के दो तट हैं, मिलन और विरह। मिलन अगर इंद्रियों का आग्रह है तो विरह प्रेम की कसौटी। एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जी, जी, स्वागत। और मुझे तो लगता है कि हाथ की तालियां नहीं दिल से तालियां बज जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, जी। शाम के ढलते कदम और रात की तन्हाइयां, शाम के ढलते कदम और रात की तन्हाइयां, ले उठे हम बर्द की अंगड़ाइयां, शाम को ढलते कदम और रात की तन्हाइयां, हम तुम्हारी याद में जलते रहे, हम तुम्हारी याद में जलते रहे, साये एहसास में चलते रहे, शम्मा की सब चुक गई रानाया, शाम को ढलते कदम और रात की तन्हाइया। दूसरा बंदर से, बेखुदी दरिया की लहराती रही, बेखुदी दरिया की लहराती रही, एक लहर पे दूसरी आती रही, शोर था या थी शिकन आराइयां, शाम के जोरदार तालियां, बहुत अच्छा प्यार, बहुत प्यार, रात की तन्हाइयां। अब एक कविता जी, जी, दूसरी जी, एक सुना देता हूँ, मंच का आदेश था जी, 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 पुरानी कविता है, पुरानी कविता है। और इस कवि सम्मेलन में इतने महान कवियों के बीच बैठने का मौका दे देते हैं पंडित जी, ये भी अपने आप को बड़ा ही धन्य महसूस करते योग्य है। जोरदार तालियां बजाइए, ये गीत आपको सुनने को नहीं मिलेगा जी। जी, पुराना एक गीत लिखा था और चूंकि मलमास के सीजन में लिखा था, आज भी तुम कहीं ना कहीं मेरे पास अनायास रहते हो, तुम्हारी याद रहती है और चुपके से चले आते हो जीवन के क्षण में, वही एक भाव लिया था। जीवन के ठहरे इस पल में, तुम क्या है
चुपके से बात है, जीवन के ठहरे इस पल में तुम क्या आए चुपके से निष्पंदित और मौन व्यथा को दस्तक देते चुपके से जीवन के अंतर के ये ताने बाने अंतर के ये ताने बाने खुद मेरा मन ना पहचाने सपनों की झीनी चादर को बुन जाते हो चुपके से क्या बात है जीवन के आज का आज पे एक तबसरा है जी 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 अंबर पर संशय के बादल अंबर पर संशय के बादल अंबर पर क्या बात संशय के बादल प्राण अकेला जग पन घट पर रीते गागर को सागर से भर जाते हो चुपके से रीते गागर और अंतिम पंक्ति पेश कर रहा हूं जी नौ किसले मधुमास जगा कर नौ किसले मधुमास जगा कर मुकुलित कलियों को महका कर एक नया एहसास दिला कर छुप जाते हो चुपके से एक नया एहसास दिला कर छुप जाते हो चुपके से जीवन के ठहरे इस पल में तुम क्या आए चुपके से निष्पंदित और मौन व्यथा को दस्तक देते चुपके से जीवन के बहुत बहुत धन्यवाद सत्य जी सर सर बहुत 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 धन्यवाद खरा साहिब एक चार प्रहर की का गीत है स्पेशल वो सर को सुनाने के लिए दो पक्ष सर बिछड़ जाता है एक दूसरे से तो वो सुबह दोपहर शाम रात जो चार प्रहर है उनको लेके कही गई कविता जी एक पक्ष दूसरे पक्ष को याद करके कहता है सर वो पुराना गीत है फिर भी जी अंतस्थल की व्यथा सिमट जब नैनों में भर जाती है तब याद तुम्हारी आती है अंतस्थल की व्यथा सिमट जब नैनों में भर जाती है तब याद तुम्हारी आती है ये अर्ध गीत मेरा है हम लोग दो लोग साथ एक राज करके थे साथ मिलके लिखा था हम लोग जी, 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 जी। सुबह का वक्त है जी हमने रोपा था गुलाब का पौधा अपनी क्यारी में हमने रोपा था गुलाब का पौधा अपनी क्यारी में सोचा था जब
फूल खिलेंगे, घूमेंगे फुलवारी में, उस बगिया में किसी सुबह जब कोई कली मुस्काती है, तब याद तुम्हारी आती है। दोपहर का वर्णन है, अभी न तुमको भूला होगा अपना बिछड़ा प्यारा गांव, बौराई अमुआ की बगिया, बौराई अमुआ की बगिया, शीतल सघन सुहावन छांव, उस बगिया में दोपहरिया में जब कोयलिया गाती है, तब याद तुम्हारी आती है। शाम का वर्णन है, नदी किनारे बैठते थे तो जी 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 जी, नदी किनारे अक्सर ही हम शाम गुजारा करते थे, नदी किनारे अक्सर ही हम शाम गुजारा करते थे, कभी पांव से जल छिटकाते, कभी अजूरियां भरते थे, मझधारे से बिछड़ ले, मझधारे से बिछड़ लहर जब पांव से टकराती है, तब याद तुम्हारी आती है। और चांदनी रात का अंतिम छंद है, अंतिम वर्णन है, कितनी यादें जुड़ी हुई है इन्हीं चांदनी रातों से, क्या बात है, कितनी यादें जुड़ी हुई है इन्हीं चांदनी रातों से, घंटों छत पर बैठे रहना और न थकना बातों से, प्रतिदिन आधी रात गए प्रतिदिन आधी रात गए जब रजनी नीर बहाती है, तब याद तुम्हारी आती है, अंतस्थल की व्यथा सिमट, अंतस्थल की व्यथा सिमट जब नैनों में भर जाती है, तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। चलते चलते हमारे जिले गाजीपुर के खामोश गाजीपुरी साहब का एक शेर अर्ज करते हुए निकलूंगा सर। कहते राज खुल जाए न साकी के तह दस्ती का, राज खुल जाए न साकी के तह दस्ती का, जाम खाली सही होठों से लगाए रखना, और जाने कब लौट के आ जाए तुम्हारा हमदम, अपनी महफिल को इसी तरह सजाए रखना, अपनी महफिल को इसी तरह से। शुक्रिया।